रिव्यूज सच जरूरी है। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोशनी और ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज टीवी। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। मंचलों ने बारात में आई खूबसूरत किशोरी के साथ किया रे। अलीगढ़ महुआ खेड़ा थाना क्षेत्र के एक शादी में शामिल होने आई 12 वर्षीय किशोरी के साथ रेप का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि किशोरी फिरोजाबाद की रहने वाली है और वही शुक्रवार देर रात उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया है। घटना के बाद आरोपी फरार हो गया है और पुलिस ने किशोरी को मेडिकल के लिए भेजा है। आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। किशोरी के साथ दुष्कर्म की घटना सामने आई है और बताया जा रहा है कि फिरोजाबाद के थाना नारकी क्षेत्र की रहने वाली किशोरी ने अपने परिवार के साथ एक महुआ खेड़ा थाना क्षेत्र के एक मैरिज हॉल में बारात में आई थी और वही इस दौरान किशोरी के साथ एक किसी ने दरिंदगी की घटना को अंजाम दिया था। किशोरी की तबीयत खराब होते पर परिवार ने लोग डॉक्टर के पास ले गए और डॉक्टर ने बताया कि बच्ची के साथ गलत काम हुआ है। इसके बाद ही परिजनों ने किशोरी को सूचना दी और किशोरी शुक्रवार देर रात को थाना महुआ खेड़ा क्षेत्र पहुंची और उसके अंतर्गत उसने मुकदमा दर्ज करवाया। और किशोरी दूल्हे के मौसी की पुत्री थी और शुक्रवार की रात किसी अज्ञात शख्स द्वारा किशोरी के साथ दुष्कर्म के जाने की बात प्रकाश में आई और किशोरी की तबीयत खराब होने पर गुमसुम रहने वाली परिजनों ने निजी चिकित्सालय में उसके दाखिल करवाया और चिकित्सकीय ने किशोरी से दुष्कर्म की बात बताई। इसके बाद परिजनों ने इस घटना की सूचना पुलिस को दी और थाना महुआ खेड़ा के एक पुलिस प्रभारी विजयकांत शर्मा ने बताया है कि पीड़िता को चिकित्सकीय परीक्षण के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है और प्रकरण में अभियोग पंजीकृत कर दिया गया है और घटनास्थल के थाना महुआ खेड़ा से दूरी लगभग 4 किलोमीटर दूर है। दिल्ली में नाबालिग लड़के के साथ 5 लोगों ने किया कुकर्म। नई दिल्ली, राजधानी नई दिल्ली में अपराध बढ़ता ही जा रहा है। आए दिन हत्या, चोरी, लूट, रेप और गैंग रेप की घटनाएं सामने आ रही है। ऐसे ही एक और मामला सामने आया है। दिल्ली पुलिस की मिली जानकारी के अनुसार यहां एक नाबालिग लड़के के साथ सामूहिक कुकर्म का मामला सामने आया है। घटना की जानकारी मिलते ही पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस अधिकारियों ने कहा है कि उत्तरी दिल्ली में पिछले कुछ वर्षों से एक नाबालिग लड़के का उसके पड़ोस के 5 लड़कों ने अलग अलग समय पर कथित तौर पर यौन उत्पीड़न किया है और घटना की जानकारी पुलिस को शुक्रवार को मिली और डीसीपी सागर सिंह कलसी ने कहा है कि 10 फरवरी को उन्हें पीसीआर कॉल मिली थी और उसने नाबालिग लड़के के 4-5 लोग दुष्कर्म कर रहे थे और डीसीपी ने कहा है कि मौके पर पहुंचे पर नाबालिग बच्चे के बताया कि कुछ स्थानीय लोगों ने उसके साथ यौन उत्पीड़न किया है। इसके बाद ही पुलिस और एक टीम मौके पर पहुंची और उसकी मां ने लिखित शिकायत देकर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है और अलग अलग मौके पर पड़ोस के 5 लड़कों ने उसके साथ यौन शोषण किया है। पीड़ित के पुलिस को बताया कि वह स्थानीय लड़कों के उसे यौन शोषण किया है और पीड़िता की मां ने 5 लड़कों के खिलाफ बेटे के साथ दुराचार करने के खिलाफ केस भी दर्ज किया है। पीड़ित को तुरंत मेडिकल के लिए भेजा गया है और अस्पताल में भारतीय दंड संहिता धारा 377 के तहत यौन अपराधों के बच्चे के संरक्षण और अधिनियम के तहत धारा 4 के तहत भी मामला दर्ज किया गया है। यूपी में ढाबे पर एमबीए के छात्र पर चाकू से हमला। युवकों के एक समूह ने ढाबे पर खाना खा रहे एमबीए के छात्र पर हमला कर दिया है और घटना गुंडम्बा पुलिस क्षेत्र की बताई जा रही है। यह घटना 8 फरवरी को हुई थी लेकिन इसकी जानकारी शनिवार शाम को दी गई। पीड़ित छात्र की पहचान बिहार के दरभंगा जिले के एक निवासी आबिद के रूप में हुई है और वह एक निजी विश्वविद्यालय के एक एमबीए की पढ़ाई कर रहा है। युवकों ने एक समूह में ढाबे पर खाना खा रहे एक एमबीए के युवक को हमला कर दिया है। घटना गुंडवा पुलिस क्षेत्र की बताई जा रही है। पीड़िता छात्र की पहचान बिहार के रहने वाले एक युवक के रूप में हुई है और वह निजी एक विद्यालय में भी पढ़ाई करता था। आबिद और उसके दोस्त साजिद प्रधान धर्म कांड के एक पास से ढाबे में खाना खा रहे थे और इसी दौरान एक आरोपी सिद्धार्थ सिंह अपने 6-7 सहयोगिता के साथ ले पहुंचा और उसके बाद उसे मारपीट शुरू कर दी। आबिद के बताया कि आरोपियों ने उसे मारने के इरादे से ही ढाबे पर अंदर 6-7 लोगों को बुलाया था और उसके बाद टेबल से नीचे छिपकर अपने जान बचाने का प्रयास किया पर हाथापाई इसके साथ आईफोन और सोने की एक चेन भी नहीं गिरी मिली थी और इसके बाद आबिद ने पुलिस को बताया कि पहले सिद्धार्थ के साथ उनकी कहासुनी हो गई थी।
अब आप हमारे चैनल को अपने मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी आप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाइकू, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज पर। नमस्कार। और आप देख रहे हैं।